अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, इनको अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब चौथे नंबर पे मास मीडिया को डिस्कस करना है, आ जाए मास मीडिया। सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, इनफॉर्मल एजेंट है सोशलाइजेशन का। इसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब कुछ आ जाता है। ठीक, आगे देखें। हाईली टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन, यंग एंड एडल्ट पीपल। वाहिद चीज है मास मीडिया जो कि ज्यादा टाइम बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी इस पे स्पेंड करते हैं। और आजकल तो आपने देख लिया कि सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग सोशल मीडिया पे, पर्टिकुलरली फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा पे, तो ये ज्यादा टाइम लोग स्पेंड कर रहे होते हैं। वहीं से उन्हें सोसाइटी के बारे में पता चल रहा होता है, सोसाइटी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं उनका पता चल रहा होता है। तो ये हेल्प करती है आपको मजीद सोशलाइज करने में। तो यहाँ पे सोशलाइजेशन कैसे हो रही होती है मास मीडिया के थ्रू, आपकी ट्रेनिंग कैसे हो रही होती है कि आप सोसाइटी में फिट हो सकें। आप देखें, अचीवमेंट्स का हमें पता चलता है मास मीडिया के थ्रू कि किसी को किस बात पे अचीवमेंट या कोई रिवॉर्ड दिया गया। ठीक, इस चीज का हमें पता चलता है। हम उसकी डिटेल में जाते हैं कि ये अचीवमेंट उसे मिली क्यों, क्या रीजन था, सोसाइटी का रिस्पॉन्स कैसा था इस अचीवमेंट के ऊपर। ठीक हो गया। सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, जब हमारे पास फुटेज आती है सोशल मीडिया पे तो हमें पता चलता है कि मॉब वायलेंस हुई, किस वजह से हुई, क्या ऐसी बात थी कि जो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी या सोसाइटी से वो बंदा डेविएट कर रहा था। तो इस तरह की चीजें हमें पता चलती रहती हैं। अब जैसे आपके चाइल्ड एब्यूज के केसेस आते हैं, आपको मीडिया से पता चलता है, तो आपको एक ये चीज कन्फर्म हो जाती है कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। ठीक, पनिशमेंट का जब आप देखते हैं सोशल मीडिया या इनमें से किसी भी मीम के थ्रू आपको पता चलता है कि किसी बंदे को पनिश किया गया है, तो आप देखते हैं कि वजह क्या थी पनिशमेंट की। आया कि उसने कोई सोशल जो नॉर्म्स थे उसको वायलेशन की, उसकी सोशल नॉर्म्स की। ठीक, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये चीजें आपको मिल रही होती हैं। फैशन सेंस का पता चल रहा होता है कि आजकल क्या फैशन चल रहा है, चाहे वो ड्रेसिंग के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है आजकल। ठीक, उसका आपको पता चलता है। वर्ल्ड वाइड कल्चर्स का आपको पता चलता है, जब आप सोशल मीडिया पे या टीवी पे होते हैं तो आपको अपने कल्चर के बारे में तो चीजें आपने अपनी फैमिली से और आसपास लोगों से सीख ली होती हैं, लेकिन दूसरों के कल्चर का आपको इन्हीं मास मीडिया के थ्रू पता चलता है। अब उसमें आप क्या क्या चीजें देखते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल कल्चर। आप किसी का कल्चर देख रहे हैं मास मीडिया के थ्रू, तो आप उनका ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल कल्चर देखते हैं, ड्रेसिंग, पेंटिंग, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा कि रोमन्स की बिल्डिंग की एक स्पेसिफिक शेप होती है। ठीक हो गया। तो ये चीजें, मटेरियल कल्चर जो है वो भी आप दूसरों का सीख रहे होते हैं। लर्निंग नॉन मटेरियल कल्चर, ना के सिर्फ मटेरियल कल्चर बल्कि नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में भी आप सीख रहे होते हैं, जैसे बिलीफ्स, नॉर्म्स, वैल्यूज। ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि मास मीडिया किस तरह एक पॉजिटिव रोल परफॉर्म करती है सोशलाइजेशन में, किस तरह एक नेगेटिव रोल परफॉर्म करती है सोशलाइजेशन में। इसको मैं इरेज करके लिख देता हूं, नोट कर ले इनको। जी, तो देखें मास मीडिया पॉजिटिव रोल कैसे प्ले करती है सोशलाइजेशन के अंदर और नेगेटिव रोल कैसे प्ले करती है। एग्जांपल्स के थ्रू समझें, इजी लगेगा। पहली एग्जांपल मैंने दी है अमेरिकन सोसाइटी की, कि अगर आपको मास मीडिया में अमेरिकन सोसाइटी के बारे में बताया जा रहा हो कि बहुत प्रॉस्परस सोसाइटी है, लोग खुशहाल हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए वेलफेयर पॉलिसीज हैं उनकी,
तो क्या होता है कि इंसान की एक लाइकनेस आ जाती है और वो उसकी ख्वाहिश आ जाती है कि मेरे लिए ये सोसाइटी फिट है रहने के लिए, अमेरिकन सोसाइटी। नेगेटिव रोल देखें किस तरह कि जब आपको साउथ अफ्रीकन सोसाइटीज दिखाई जाती हैं तो वहां पे उनकी भूख हो गई, स्टारवेशन, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, माल न्यूट्रिशन दिखाया जाता है, तो एक डिसलाइक पैदा होता है लोगों के अंदर कि मैं साउथ अफ्रीकन सोसाइटी में कैसे, मैं ये सोच भी सकता हूं कि मैं साउथ अफ्रीकन सोसाइटी जाऊंगा या अपने बच्चों को लेके जाऊंगा और वहां पे एडजस्ट होऊंगा, प्रेफर मैं करूंगा अमेरिकन सोसाइटी को। ठीक हो गया। दूसरी एग्जांपल देखें, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। जब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कोई मैराथन रेस हो गई, कोई पिकनिक पॉइंट्स पे लोग चले गए स्टूडेंट्स, जब इस तरह की फुटेजेस आती हैं, लड़के खुश हैं, स्टूडेंट्स सारे खुश हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, पिकनिक पे गए हुए हैं या उसके अलावा उन्होंने कोई प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। ठीक हो गया। तो जब वो फुटेजेस आती हैं मीडिया के ऊपर तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, पेरेंट्स को ये फील होता है कि सिक्योर है, सोसाइटी सिक्योर है। ठीक। लेकिन दूसरी एग्जांपल देखें, जैसे टेररिस्ट अटैक हो जाए, मैं माजरत चाहूंगा लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि APS का अटैक हुआ जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के काफी बच्चे हमारे शहीद हो गए, तो अब उनकी जो फुटेजेस आई सोशल मीडिया के ऊपर तो जाहिर है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग फुटेजेस थी, तो वहाँ से बच्चों के अंदर भी और उसके अलावा बड़ों के अंदर भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आया, उन्हें सोसाइटी में इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी कि सोसाइटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी सेफ नहीं, बच्चे भी सेफ नहीं। ठीक हो गया। तो ये मास मीडिया का पॉजिटिव और नेगेटिव रोल है। मास मीडिया हो गया। इसके बाद अगला लेक्चर इसी के बाद अपलोड होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं सबका लिंक दे दूंगा, वो होगा वर्कप्लेस के ऊपर, उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।